ये वीडियो उनके लिए देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपने बालों में कलर करते हैं या फिर डाई करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने बालों को काला करने के लिए। जी हाँ, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये आगे आपको पता चल जाएगा। आज मैं एक ऐसी काली सच्चाई के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि किसी यूट्यूबर को नहीं करना चाहिए, अपनी ऑडियंस को भ्रमित नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी डाई के बारे में, नेचुरल डाई के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है यूट्यूब पे। मैंने भी कई वीडियो देखी उसकी और नेचुरल डाई होने का दावा किया जाता है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी इसको पहले ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि किसी एक की बात नहीं है ये मैं अधिकतर चैनलों पे देख रही हूँ कि डाई मतलब नेचुरल डाई का बाद मतलब होने का दावा करते हैं, इससे बाल काले हो जाएंगे, इससे बाल काले हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे। तो मैंने भी अभी कल परसों एक वीडियो मेरे सामने आई और उसको मैंने वॉच किया, फिर मैंने उसको खुद के ऊपर ट्राई किया, जो कि मैं आपको अभी ऐड करूंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करे थे और कैसे उसको बनाया था। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं उस डाई को बनाने का तरीका, क्या क्या उसमें ऐड हुआ है, कैसे उसको बनाया है, फिर उसको लगाने के बाद रिजल्ट कैसा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप इसको पूरा वॉच करते हैं तो हो सकता है कि आप आगे अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकें, क्योंकि हो सकता है कल यही वीडियो मतलब जो मैंने वॉच की थी वही वीडियो आपके सामने भी आ जाए और आप भी उसको बनाने लगें और लगाने लगें बालों पे, तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपने जो इंग्रेडिएंट्स जिनके थ्रू आपने डाई बनाई है वो भी बर्बाद होंगे, प्लस 10 से 15 मिनट आपकी जो गैस जलेगी वो भी बेकार जाएगी, क्योंकि इससे कोई रिजल्ट मिलने वाला आपको नहीं है। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्रॉपर उसी तरीके से बनाया जैसे मुझे बताया गया था और फिर मैंने लगाया और फिर मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी आपको आगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे मैंने बनाया था और कैसे तैयार किया था, क्या क्या इसमें ऐड किया था। आयरन की कढ़ाई लेंगे और उसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे, पहले पानी ऐड करेंगे, तो मैंने एक गिलास के समथिंग पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने एक पूरा पाउच यहाँ पे कॉफ़ी का ऐड किया है, एक चम्मच आंवला पाउडर ऐड किया है और ये देखिए आंवला पाउडर था। और अब करेंगे मेहंदी ऐड, तो मेहंदी हमें इतनी ऐड करना है कि एक थिक पेस्ट बन जाए और सभी को अच्छे से बॉईल करेंगे, सभी चीज़ को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है हमें। तो यहाँ पे हमने नूपुर मेहंदी का इस्तेमाल किया है जिसका बहुत अच्छा कलर आता है और ये प्योर मेहंदी होती है, इसमें कोई कलर वलर नहीं होता है। लेकिन आज की ये जो डाई है जो इसका दावा किया गया है कि 100% बाल ब्लैक होंगे, ये बिल्कुल झूठ दावा था, इससे कुछ भी नहीं हुआ, मेहंदी का कलर भी नहीं आया, डाई का तो छोड़िए। और यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच मेहंदी ऐड की है जिससे एक थिक पेस्ट बन जाए और अच्छे से सभी को बॉईल किया, सभी को मिक्स किया अच्छे से जिससे कोई लम्स वगैरह ना रहें। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ करेंगे और गैस को ऑफ कर दिया मैंने और इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा क्या मतलब, ठंडा तो होता ही रहेगा, रात भर के लिए हमें छोड़ना है ऐसे ही इसको। नेक्स्ट डे इसका कलर कुछ ऐसा है, ये देखिए
आयरन ने अपना कलर छोड़ दिया है, ब्लैक हो गया है सभी चीज़ आयरन में मिलके। और ये देखिए मेरे बालों की हालत क्या है, देखिए। और बाद में भी देखना, बस ऐसे ही बाल रहेंगे। 2 घंटे मैंने इसको लगा के रखा था। मैं बिल्कुल भी अपनी ऑडियंस को भ्रमित करना नहीं चाहती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो कि सही हो, जिसका रिजल्ट आपको मिले। मैं सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, कुछ पैसे के लिए आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो मैंने पूरे बालों में लगाया इसको, 2 घंटे लगा के रखा मैंने इसको, और देखिए मेरे रिजल्ट, देख लीजिए मेरे बालों का रिजल्ट क्या है। जैसे बाल थे वैसे ही है, रेड कलर भी नहीं आया है, ब्लैक की तो बात छोड़िए आप, रेड भी नहीं आया है। जो मेहंदी का कलर आता है ना, वो भी नहीं आया है। मैं जब अपने तरीके से मेहंदी लगाती हूँ ना, जैसे मैं आज लगाती आ रही हूँ 20 साल से, मेरे बाल एज से पहले वाइट हो गए थे, तो मेरी मेहंदी का कलर इतना अच्छा आता है सच में कि आप उसको रेगुलर यूज करते हो ना, रेगुलर लगाते हो ना, तो धीरे धीरे आपके बाल जो है ना डार्क ब्राउन हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा कलर रहता है उनका। लेकिन इसका तो आप देख लीजिए, रेड भी नहीं आया है। मेरा समय बर्बाद हुआ, पैसे की तो छोड़िए, लेकिन समय बहुत कीमती होता है। पैसे तो उसमें चलिए 10-20 रुपए के इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बहुत कीमती होता है। प्लस अब मुझे फिर से अपनी जो मैं खुद लगाती हूँ जिस तरीके से, वो मुझे फिर से लगानी पड़ेगी कल, क्योंकि कोई कलर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल कलर नहीं आएगा, तो मैं नहीं लगाती, और आप लोगों को बताने की वजह से भी मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों को सही रिजल्ट दे सकूं। तो पहले अपने ऊपर ही मैं इसको ट्राई करूं, ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरों की वीडियो वॉच की और बस आपको भी बता दिया मैंने, और खुद के ऊपर ट्राई नहीं किया और आपको बता दिया, तो वो मैं नहीं करती हूँ। पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल मत इन चीज़ों को यूज करिए। मैं आपसे यही बोलूँगी कि केवल मेहंदी लगाइए, मेहंदी में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, और 2-3 दिन में फिर मेरी वीडियो आ जाएगी मेहंदी की, क्योंकि मैं फिर से लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि कोई कलर नहीं मेरे बालों में आया है। तो मेरा समय जो है बर्बाद गया, और मेहनत मेरी बर्बाद गई, और फिर से मुझे 2 दिन के बाद मेहंदी लगानी पड़ेगी। तो आई होप आप मेरी बात का विश्वास करेंगे और अपना टाइम और पैसा दोनों बचाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे झूठ बोलने का कि कलर आता और फिर भी मैं आपसे बोलती नहीं आया है, है ना। मैं तो चाहूँगी ना कि कलर आए और मैं आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप भी यूज करें, आप मेरी वीडियो को देखें, लेकिन मैं झूठ बोलना नहीं चाहती। और मैं यही कहूँगी आपसे कि आप भी अपना समय और पैसा मत बर्बाद करिए, इन चीज़ों के झंझट में मत पड़िए कि हल्दी से काले हो रहे हैं बाल, कि इससे काले हो रहे हैं, कुछ नहीं होते हैं। मेहंदी और ब्लैक कलर, इंस्टेंट ब्लैक आप करना चाहते हैं तो इंडिगो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, आप हेयर फॉल के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी तरह के ऑयल हैं और इफ़ेक्टिव हैं, वो मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, मैं यूज भी करती हूँ, और आगे भी मैं आपको सही जानकारी देती रहूँगी, वही चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी जो जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी आप सभी को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप, मैंने सही किया आप सबके साथ में, ये रिजल्ट आपको बताकर मैंने आपको भ्रमित नहीं किया, जो रिजल्ट मुझे मिला वो रिजल्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग, नहीं करना चाहिए इस तरीके से जैसे ये लोग करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे प्लीज अपना एक कमेंट के थ्रू अपना अपना विचार या फिर अपने अपनी मन की बात जरूर बताइए। तो थैंक यू, बाय बाय।